जातक कथा नंबर 240। कथा का जो शीर्षक टाइटल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रूर राजा या क्रूर शासक या निर्दयी शासक, निर्दयी राजा। मगर जातक कथा में जो आता है वो आता है महापिंगल जातक, महापिंगल जातक नंबर 240। एक राजा होता है कहानी के अनुसार जो बड़ा निर्दयी होता है, बड़ा कठोर होता है। उसे किसी से प्यार नहीं होता, ना उसे अपनी पत्नी से प्यार है, ना उसे अपने बेटे से, ना बेटी से, ना प्रजा से, ना रानी से, ना पटरानी से, ना दरबारियों से, ना जो उसके यहाँ सेवा करते हैं उनसे, जो नगर में प्रजा रहती है ना उनसे। वो अपने हाथ में एक डंडा रखता है और आते जाते बिना बात के सबको डंडे मारता है। एक द्वारपाल भी होता है, उसको 8 डंडे रोज मारता है बिना बात के, खाम में खाम ऐ वहीं, क्योंकि वो क्रूर है। उसको उस क्रूरता में मजा आता है, उसको उसमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए वो ऐसा काम करता है। सारे लोग उससे परेशान रहते हैं, मगर चूंकि वो राजा है, उसकी राजा की मान्यता है, इसलिए वो अपनी, चूंकि सभी लोग अच्छे हैं इसलिए वो अपनी मान्यता में बंधे हुए हैं, और वो उसके जितने भी उसकी क्रूरतम काम हैं, निर्दयी काम हैं, जो खराब काम हैं, दुष्ट काम हैं, उन सबको सहते रहते हैं। राजा सब पर हावी रहता है, मगर आप जानते हैं कि मृत्यु सभी की माँ है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, वो सभी के ऊपर राज करती है। और एक दिन उस निर्दयी राजा को मृत्यु अपने साथ ले जाती है, राजा मर जाता है। जैसे ही राजा मरता है पूरे राज्य के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है, लोग उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। और उसकी अर्थी को बहुत खुशी के साथ, गाजे बाजे के साथ, नाच नाच के, गा गा के उसको शमशान भूमि तक लेके जाते हैं। खूब जोश में लोग होते हैं और बड़े जोश में खूब सारे पेड़ लाते हैं। एक अर्थी को जलाने के लिए अगर 4 कुंटल लकड़ी की जरूरत है तो वो 40 कुंटल लकड़ी, 50 कुंटल लकड़ी लेके आते हैं, पेड़ काट काट के। जमीन साफ साफ करते हैं, घड़ों घी लेके आते हैं, एक छोटा सा घी बहुत होता है एक मटका, मगर वो कई 100 मटके घी लेके आते हैं, इतने खुश हैं। वहाँ बहुत बड़ी चिता बनाते हैं और राजा को उस पर लिटा के और घड़ों घी डाल के उसको फूंक देते हैं। उसको फूंकने के बाद में फिर जो उसका बेटा होता है, क्योंकि राजा अधमी होता है, अधम पे चलता है, अनुचित कार्यवाही है उस पे चलता है, अनुचित तरीके से वो सत्ता पे काबिज रह जाता है, इसलिए उसके मरने के दुख को भुलाने के लिए उसका जो बेटा है वो सधम वाला है, वो उचित कार्य करता है, तो उसको अभिषेक करते हैं, उसका राज्य का तिलक करते हैं। तो पूरे दरबार में बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। वो जो द्वारपाल था जिसको रोज राजा 8 डंडे मारता था, वो द्वार पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, बड़ा चीख चीख कर रोता है, बड़े रुंदन उसमें कुंदन करके स्वर में रोता है। तो जो राजा होता है वो उसके पास जाता है, जो बनने वाला राजा है, वो कहता है कि तुम्हें क्या खुशी नहीं है राजा के मरने से, इतना निर्दयी राजा मर गया, तुम्हें लगता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया था जो तुम्हें उसके जाने का दुख हो रहा है। तो कहता है कि नहीं, वो तो मुझे रोज 8 डंडे मारता था, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो अगर वो ऊपर जाएगा, वहाँ अगर यमराज होगा और यमराज को वो फिर डंडे मारेगा, कहीं ऐसा ना हो कि यमराज उसे गुस्से में फिर वापस यहाँ भेज दे और वो फिर राजा बन जाए और फिर वो मुझे 8 डंडे रोज मारे। तो राजा उससे कहता है कि पूरे देश ने, पूरे राज्य ने उसको कई गुना लकड़ी में और कई गुना तेल में इसलिए फूका है कि उसका अंश भी ना बचे, वो जगह पूरी तरह साफ कर दिए कि उसका अंश भी ना बचे। ये एक प्रतीकात्मक किया हुआ है ताकि लोगों के मन से भय निकल जाए कि अब इसका यहाँ कुछ भी नहीं है, उसकी सारी निशानियाँ मिटा दी गई हैं, उसके सारे पिछले किए हुए काम भुला दिए गए हैं, अब उसका नाम लेवा भी यहाँ नहीं रहेगा। फिर भी तुम इतना समझ लो कि बौद्ध जो पद्धति है, जो बौद्ध टेक्निक है, जो भगवान बुद्ध ने टेक्निक दी है और बताया है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रूर हो और बहुत ज़्यादा द्वेषपूर्ण काम करे, बहुत ज़्यादा दुष्टता वाले काम करे, तो उसे मनुष्य योनि के अंदर उसका जन्म नहीं होता, वो मनुष्य योनि में नहीं आता, वो या तो अविची नरक में रहेगा जहाँ से वापस आना बहुत नामुमकिन है, उसको अब शरीर प्राप्त नहीं होगा, या वो कहीं बहुत छोटा मोटा सा कोई
कीट पतंगा जानवर बन के रहेगा, या कहीं किसी सड़ी गली नाली का किसी बेकार जगह का कोई कीड़ा बन के रहेगा और वो हजारों साल तक अविची नरक में लाखों साल तक रहेगा। मनुष्य योनि में मनुष्य का जन्म वो नहीं ले सकता, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहो, बिना भय के रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सुनकर जो द्वारपाल है वो खुश होता है, सारा भय भूल जाता है और राज्य की सेवा में लग जाता है। इस कहानी का ये जो महापिंगल जातक नंबर 204 है, इस कहानी का जो प्रेरणा है और जो इसकी जानकारी है, जो इसकी शिक्षा है, वो यही है कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है और जो प्रत्यय समुत्पाद या प्रत्यय समुत्पाद का जो नियम है, उसके अनुसार मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है या जो मन आता है, अगर वो बहुत गलत काम करता है और सबको दुख पहुंचाता है तो उसका वर्जन छोटा हो जाता है, फिर वो मनुष्य योनि के लायक नहीं रहता और मनुष्य नहीं बनता, क्योंकि उसने निर्वाण प्राप्त किया नहीं, इसलिए वो यहाँ रिसाइकल में यानी कि अगले जन्म में उसका वर्जन आता रहेगा और वो जो वर्जन उसका है वो डिमोट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा वर्जन छोटे शरीर में फिट होता है। ये उनकी थ्योरी है जो साइंटिफिक थ्योरी है। इसी कारण जो दुष्ट लोग होते हैं वो दोबारा मनुष्य योनि में नहीं आते। धन्यवाद। ऐसा ही भगवान बुद्ध ने बताया है।